कि वो शायद मेरे पिताजी की उम्र के होंगे। मैं बता रही हूं आपको, मैं जवाब दे रही हूं। बुजुर्गों को गुस्सा आता है और बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कई बार गुस्से और क्रोध में बहुत सारी बातें कह देते हैं। मुझे लगता है कि उनके गुस्से का, उनके उम्र का, उनके तजुर्बे का हम सम्मान करते हैं और वो जरूर इस पर पुनर्विचार करेंगे। लेकिन राजनीति में गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी और उनसे बदला लेने की भावना की कोई जगह नहीं है। हम आशा करते हैं कि वो अपनी कही हुई बातों पर अपनी ही समझदारी दिखाते हुए जरूर पुनर्विचार करेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत योद्धा रहे। उनको कांग्रेस पार्टी ने 9 साल 9 महीने मुख्यमंत्री बनाया है। आपको याद होगा उनको राजेंद्र भट्टल जी के की जगह मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस पर टिप्पणी बहुत ज्यादा ना करके मैं ये सोचती हूं कि उनका अनुभव पब्लिक लाइफ में, उनका जीवन इस तरह की बातों को, उनके स्टैचर को सूट नहीं करता है और वो इस पर पुनर्विचार करेंगे। हम उनसे छोटे होने के नाते इसको उनका क्षणिक गुस्सा मानकर जरूर भूलने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस तरह की शब्दावली की, द्वेष की, ईर्ष्या की और गुस्से की और बदले की भावना की मुझे नहीं लगता राजनीति में अपने के लिए भी या प्रतिद्वंदी के लिए भी ऐसी कोई जगह है। एनीथिंग? या श्योर। क्या तरीका है? ऐसा है, राजनीति में लोग फैसले लेते हैं, कुछ अपने हितों में लेते हैं, कुछ अपनी कंस्टिट्यूएंसी के हितों में लेते हैं। ये इंडिविजुअल फैसला होता है छोड़ने या ज्वाइन करने का। इस मंच से मैं इस पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहती हूं क्योंकि ये फैसला अंततोगत्वा हर व्यक्ति खुद लेता है। हम एक विचारधारा के साथ खड़े हैं, एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं और उसको पुरजोर तरीके से लड़ रहे हैं। जो इस लड़ाई में, इस संग्राम में हमारे साथ खड़ा है, हम भी उसके साथ खड़े रहेंगे। जो अगर छोड़ के जाना चाहता है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी।